मुरादाबाद के दयानंद डिग्री कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दौरान आपदा प्रबंधन की जानकारी छात्राओं को दी गई। महाविद्यालय का ये कहना है कि छात्राओं को समाज सेवा की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजित किया जाता है। मुरादाबाद महानगर के दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के अंतर्गत आज शिविर का 6ठा दिन आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। शिविर में डॉक्टर शुभा गुप्ता कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन एवं सिविल डिफेंस तथा अग्निशमन विभाग की टीम के सौजन्य से महानगर के बंगला गांव जाटव बस्ती में लगाया गया। सिविल डिफेंस से सतीश कुमार ने शिविर में छात्राओं को आग लगने के कारण उनसे बचाव, पानी में डूबते व्यक्ति को बाहर निकालने व उसका उपचार करने, दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का उपचार तथा अन्य विषय पर जानकारी प्रदान की गई। इस शिविर में अग्निशमन अधिकारी शत्रुघ्न ने बताया कि आग लगने पर हमें 112 नंबर पर फोन करना चाहिए। छप्पर के ऊपर से बिजली का तार कभी नहीं डालना चाहिए तथा बिजली से लगने वाली आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे बालू डालकर बुझाना चाहिए। उन्होंने स्वयं सेविकाओं तथा बस्ती के निवासियों को आग बुझाने वाले सिलेंडर के इस्तेमाल के विषय में भी जानकारी दी। किसी भी चीज का टेम्परेचर हम डाउन कर देंगे, वो कहीं आग लगी है उस पर हम पानी डाल देंगे, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा तो आग जो है वो बुझ जाएगी। और दूसरा हमने बताया स्मदरिंग, मतलब दब घोट करके किसी चीज को, जैसे आग लगी है अगर हम उसकी ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, ऐसे हम लोग हवा लेते हैं तो हमको अगर आपको हवा ना मिले तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। उसी ढंग से आग को जलने के लिए हवा जरूरी है, उसकी ऑक्सीजन को हम खत्म कर देंगे तो उद्दम घूम करके वो बुझ जाएगी। और तीसरा स्टारवेशन, यानी भूखों मारना। जैसे मान लीजिए कहीं सामान रखा है घर में, आग लगी, आग पहले एक जगह से शुरू होगी, मान लीजिए इस मेज में आग लगी, इसके आसपास में जो भी जलने वाले सामान है उसको हम जितनी जल्दी उससे अलग कर देंगे, हटा के बाहर कर देंगे, तो केवल मेज बचेगी जिसमें आग लगी है। अब इसको और जलने का सामान नहीं मिलेगा तो ये अपने आप स्वतः जल के आज हमारी दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के 7 दिवसीय शिविर के 6ठे दिन हमने अपने शिविर में अग्निशमन अधिकारी श्री शत्रुघ्न जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने छात्राओं को आग से बचने के बारे में और आग कैसे लगती है इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर बिजली से आग लगती है तो हमें उस पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि वहाँ पर बालू डालना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने आग को लगने पर कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए, फायर आग बुझाने वाले सिलेंडर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसका प्रयोग करके बताया, और उसको किस तरह से खोलें, किस तरह से बंद करें, फिर जब आग लगे तो उसे, जब हम उस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हों तो उसको हमें आग से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर उसको दबाना चाहिए, जिससे जो उसका पाउडर निकलेगा वो आग को बुझा देगा। ऐसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ऐसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं तथा बस्ती के निवासियों के बीच में जो आग लग जाने पर उन्हें क्या सावधानी करनी चाहिए वो ना घबराएं, बल्कि आग को बुझाने का उपाय करें, यही जागृति फैलाने के लिए हमने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया।